इंडोनेशिया में फूट गया ज्वालामुखी, चारों तरफ लावा, गर्म गैस और राख। और किन देशों में खतरनाक ज्वालामुखी? इंडोनेशिया देश का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी माउंट समेरू आज अचानक फट गया। 12,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित इस पहाड़ की चोटी से निकलने वाला लावा इतना तेज था कि इसकी गर्म राख और गैस ज्वालामुखी की घाटी में स्थित गांव में खेतों तक पहुंच गई। आसपास के क्षेत्र में इस समय लावा की नदियां बह रही हैं। आपको बता दें कि माउंट समेरू कई दिनों से ज्वालामुखी धीरे धीरे सुलग रहा था, लेकिन मानसूनी बारिश की वजह से उसका लावा डोम टूट गया, जिससे गर्म राख, गैस और लावा की नदियां कई किलोमीटर तक तेजी से बहती हुई दिखाई दी। इंडोनेशिया के नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसी के प्रवक्ता अब्दुल मोहारी ने कहा कि ज्वालामुखी के आसपास मौजूद कई गांव राख के ढेर में छिप गए हैं। धुएं और राख की वजह से आसमान काला हो गया है। दिन में भी लोगों को लाइट जलानी पड़ रही है। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया है। अब भी राहत एवं बचाव कार्य जारी है। आपको बता दें कि माउंट समेरू राजधानी जकार्ता से 800 किलोमीटर दूर दक्षिण पूर्व स्थित जावा में है। जावा में कई ज्वालामुखी हैं जो सक्रिय हैं, लेकिन माउंट समेरू सबसे खतरनाक और सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है। सिर्फ इंडोनेशिया में 121 सक्रिय ज्वालामुखी मौजूद हैं। पिछले साल भी माउंट समेरू में विस्फोट हुआ था, तब उसके लावा, गर्म गैस और राख की चपेट में आने से 91 लोगों की मौत हो गई थी। 10,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचना पड़ा था। इस बार के विस्फोट से निकली राख, गर्म गैस और लावा की नदियां पहाड़ के नीचे 8 किलोमीटर तक बहकर आई। स्थानीय लोगों को 20 किलोमीटर दूर स्थित स्कूल में टिकाया गया है, जहां पर सरकार की तरफ से खाना पानी और दवाएं वगैरह दी जा रही हैं। इस समय ज्वालामुखी के डेंजर जोन में करीब 3,000 मकान हैं। यहां रहने वाले सभी लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया है। माउंट समेरू के विस्फोट के बाद राख और धुएं के बादल करीब 5,000 फीट की ऊंचाई तक फैल गए थे। इसके बाद लावा नीचे की ओर बहते हुए पास की नदी बेसुक कोबोक काम में जा मिला। इस घटना के तत्काल बाद ही आसपास के लोगों को हटा दिया गया। इस समय ज्वालामुखी से संबंधित खतरे के अलर्ट को सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंचा दिया गया है, यानी लोगों को ज्वालामुखी के आसपास न जाना है। अगर कोई है तो उसे सुरक्षित स्थान पर चले जाना चाहिए। पृथ्वी पर 1500 एक्टिव यानी सक्रिय ज्वालामुखी हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा सक्रिय यानी एक्टिव ज्वालामुखी इंडोनेशिया में है। यहां पर कुल 121 ज्वालामुखी हैं, जिसमें 74 ज्वालामुखी सन 1800 से सक्रिय हैं। इसमें से 58 ज्वालामुखी साल 1950 से सक्रिय हैं, यानी इनमें कभी भी विस्फोट हो सकता है। 7 ज्वालामुखियों में तो 12 अगस्त 2022 के बाद से लगातार विस्फोट हो रहा है। ये है क्राकटाऊ, मेरापी, लेवोटोलोक, कारांगगेटांग, सेमरू, इबू और डुकोनो। अब आपको बताते हैं कि इंडोनेशिया के बाद अगर किसी देश में सबसे ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखी है तो वो है अमेरिका। यहाँ पर 63, जापान में 62, रूस में 49 और चिली में 34 सक्रिय ज्वालामुखी है। यानी ये सभी ज्वालामुखी या तो फट रहे हैं या कभी भी फट सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई होगी। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।